Glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. अगर मैं और आगे जाऊं आपके पास है ना, तो
प्लस में आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास 12 मंथ 18 मंथ 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अभी इसमें आपको एडिशन भी मिल रहा है, ठीक है, कुछ मंथ का, और एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी आपको साथ में मिलेगा। आपको बस यूज करना है क्या, कोड DC01, सेम कॉस्टिंग में आपको एसएससी जेई का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 24 मंथ में तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा का एक्सटेंशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बोलता हूँ कि आइकॉनिक की बात करूं, आइकॉनिक में दिखाऊं आपको, तो आइकॉनिक की भी आपको यहाँ पे दिख रही है सारी कॉस्टिंग, ईएमआई भी है ना, नो कॉस्ट, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक कोड, ठीक है, DC01, इसको आप यूज करें, इसको आप याद कर ले। अनअकैडमी में कुछ भी प्लेटफॉर्म आपको अनलॉक करना है तो बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्बैट क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, अगर कोई बोलता है कि सर मुझे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सर मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकता, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप कोर्सेस इसलिए लें क्योंकि आपको पता है कि गेट इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। दो नंबर की चीजें भी आपको ऊपर डाउन ला सकती है, पीएसयू से कहीं भी ले जा सकती है, कहीं पे भी गिरा सकती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि अनअकैडमी कॉम्बैट को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट को अनलॉक करने के लिए आप ये कोड यूज करें सबसे पहले तो DC01, ठीक है, और आप अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को 11 बजे होता है उसमें अपीयर करें तो आपको मिलेगा क्या, अगर आपका रैंक 1 से 3 के बीच में आता है आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 4 से 10 के बीच में 75, 11 से 50 के बीच में 50%, और 51 से 100 के बीच में 25% का ऑफ। तो ये आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट हम कर दे रहे हैं, ठीक। और अगर मैं आगे बढ़ूं और आपके पास है ना, तो स्पेशल क्लास आपको पता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पेशल क्लास, ठीक है। अभी स्पेशल क्लास में मैं ले रहा हूँ नेटवर्क की क्वेश्चन सीरीज स्पेशली फॉर गेट 2022, ठीक है। तो जितने भी लोग नेटवर्क पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं कुछ एकदम मस्त क्वेश्चन फ्रेम करके लाया हूँ, उन लोग मेरे को मिलते हैं, हम डेली इंजॉय करते हैं उन क्वेश्चन के साथ, और आपकी एक कॉपी भी बन जा रही है जहां पे आपको क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लिखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करूं तो आपको यहाँ पे एक इंटरैक्टिव लाइव क्लास का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे है, लेकिन यूट्यूब में आप देखते हैं कभी कभी कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं और भी लोग होते हैं, अगर सब भीड़ होता है वहां पे हम केवल पढ़ने की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक पढ़ने की बात करते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म में तो आपको मिलेगा इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स होते हैं, मैं हर एक लेक्चर में 4 से 5 पोल कराता हूं ताकि आप उस लेक्चर का आपको आइडिया कितना लग चुका है, मैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, वहां पे पोलिंग होती है, लीडर बोर्ड आता है, अच्छा कंपटीशन का एनवायरनमेंट बना होता है, ठीक है। और आप अगर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी, हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपके चैट बॉक्स में पिंड है मेरे प्रोफाइल का लिंक, उसको जाके क्लिक करें और ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, तो हर चीज का लेक्चर नोट्स मिलेगा और कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, लक्ष्य एंड आरोहन फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, और स्पार्क एंड वर्व, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स के, और अभी क्लासेस कौन सी चल रही है, सिग्नल सिस्टम की विष्णु सर की, ठीक है। एक बहुत ही मस्त अनाउंसमेंट ये है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, 11 अगस्त से अनअकैडमी प्लस पे मैं स्टार्ट करूंगा सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, और लगभग इंस्ट्रूमेंटेशन कोर की 100+ आज की क्लासेस होंगी, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल मिस मत करें, सारे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एंजॉय करें, ठीक है। तो अब मुझको फटाफट फाइनल बता दो कि यस सर वी आर रेडी फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो मैं हेडिंग डालता हूं आपके पास सबसे पहले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये मैं आपके लिए सबसे पहले हेडिंग डाल दिया, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, थम्स बना दो, ठीक है, कि आप लोग रेडी हैं, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ मूविंग आयरन। देखो एकदम आग लगा दी है भाई कमेंट बॉक्स में, है ना पल्लव जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, कि भाई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हमारे लिए होता क्या है, इससे हम स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी आज की, ठीक। तो हाँ भाई, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप एक व्हीकल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको एक व्हीकल चाहिए तो आप उस व्हीकल में क्या क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस व्हीकल में क्या हो आपके लिए, उस व्हीकल में आपके पास ड्राइविंग मैकेनिज्म हो, उस व्हीकल में आपके पास ब्रेकिंग मैकेनिज्म हो, उस व्हीकल में आपके पास कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हो, ठीक है। आप देखते हैं कि कई बार आप कभी ब्रेकर से निकलते हैं तो शॉक अप होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट में जब भी कुछ आपके पास ऑसिलेशन आता है ना, या कुछ झटका पड़ता है तो उसको वाइप आउट करने के लिए क्या होता है, आपके पास डैम्पिंग अवेलेबल होता है। डैम्पिंग का टाइप वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो किसी भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट की बात करूं मैं, चाहे वो एसी के लिए हो, चाहे वो डीसी के लिए हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीन चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहला तो है आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्च, सबसे पहला क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्च, ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज मैं लिख दिया यहाँ पे,
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगला क्या होगा आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। अगला क्या लिख रहा हूं मैं आपके लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिख रहा हूं आपके पास, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक, ये हो गया अपने पास डैम्पिंग टॉर्क, क्लियर। तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिख दी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, ये तीन चीज हमारे इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। और इसको लाने के लिए हम क्या क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखना आपको आज के लेक्चर के बाद ना मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो आपके पास फील होगा। आपने भयंकर भयंकर डायग्राम देखे होंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही सिंपल वे में फील कराने वाला हूँ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क, टी जीटा डैम्पिंग टॉर्क। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हम अब तक क्या पढ़े, हम अब तक पढ़े पीएमएमसी, पीएमएमसी माने क्या, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो हम लोग अब तक पढ़ रखे हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा है। और इसके लिए मैंने आपको बहुत सारा बेस क्रिएट किया है, मतलब मैं आपको 3-4 घंटे केवल बेस पढ़ाया हूं, उसके बाद आपको पीएमएमसी में लाया हूं, उसके बाद पीएमएमसी के क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम पढ़ने वाले अभी यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इसको भी आप बहुत ही बेस से समझ पाओ, इसको भी आप बहुत ही बेस से समझ पाओ, ठीक। कैसे बहुत बेस से समझ पाओ आप देखना, जब भी मैं बात करता था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की, नाम में क्या आता था, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट वॉज एक्टिंग एज फिक्स्ड बॉडी ओवर देयर, वहां पे ना परमानेंट मैग्नेट फिक्स था, लगा हुआ था एक जगह, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वहां पे क्या था, परमानेंट मैग्नेट वहां पे आपके लिए फिक्स था, ठीक है, वैसा ही आपके पास लगा हुआ था। जब भी मैं बात करता हूँ आपसे किस चीज की, जब भी मैं बात करता हूँ आपके पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मूविंग कॉइल मतलब वहां पे एक रोटेटिंग बॉडी या मूविंग बॉडी होती है, ठीक है। वो बॉडी रोटेटिंग क्यों होती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बता दूं कि एक मूविंग बॉडी होती है, तो मूविंग बॉडी होने का क्या रीजन था, ताकि डिफ्लेक्शन आए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोलता हूं मैं कि भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल होगा, एक क्या होगा यहाँ पे, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ये हो गया आपके पास क्या, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल, है ना। अच्छा, नाम को देखिए तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, मूविंग आयरन, इसका मतलब क्या कि आयरन यहाँ पे मूव कर रहा है, नाम से इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन यहाँ पे आपके लिए मूव कर रहे हैं, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे एक और चीज देनी पड़ेगी, वो क्या होगा, आयरन पीस, ठीक है, जो हमारे लिए मूव करेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आयरन पीस, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, आयरन पीस बोल दिया, ठीक है। अब देखिए आयरन पीस का मतलब क्या है यार, आयरन पीस का मतलब क्या, आयरन पीस का मतलब ना एक वेन होगा, आयरन पीस का मतलब क्या है, आयरन पीस का मतलब यहाँ पर एक वेन होगा, ठीक है, वेन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोलूँ सेंसर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन आए यूट्यूब पे आएगा क्या, अभी तो बेटा फिलहाल आ रहा है प्लस पे, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच नमन शर्मा, है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन थैंक यू सो मच, ठीक है, आवाज आपको सिग्निफिकेंट आ रही होगी ऐसा मेरे को उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, अब देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो करंट कैरिंग कॉइल लिखा हुआ है, करंट कैरिंग कॉइल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पे फिक्स्ड होता है, ये करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पे फिक्स्ड बॉडी होता है। अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको, ये क्या है आपके लिए, ये फिक्स्ड बॉडी है। आयरन पीस क्या है आपके लिए, आयरन पीस जो है ना ये आपके लिए मूविंग बॉडी है, आयरन पीस आपके लिए क्या है, ये आपके लिए मूविंग बॉडी है। स्पिंडल, स्पिंडल सब जानते हो, स्पिंडल, स्पिंडल सबको बता चुका हूँ, स्पिंडल कैसे दिखता है, कहाँ पे फिक्स होता है, वो सब तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, बस आपको एक नॉर्मल बताया। आयरन वेन का मतलब समझते हैं क्या, एकदम पतले से आयरन का डिस्क, ठीक है, एकदम पतले से आयरन का डिस्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन पीस, ठीक है, वेन, ठीक है, बहुत ही पतले से आयरन का डिस्क है वो, क्लियर, बहुत ही पतले से आयरन का डिस्क है, ठीक। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क है, टीसी आपके पास क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज डेफिनेटली प्रोवाइडेड बाय व्हाट, कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और डैम्पिंग टॉर्क की जहां तक मैं बात कर सकता हूँ आपके पास, है ना, डैम्पिंग टॉर्क, क्लियर,
डैम्पिंग टॉर्क की जहां तक मैं आपसे बात करूं तो डैम्पिंग टॉर्क में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हम यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, क्या देखेंगे हम यहां पे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमको यहां पर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा अपने को, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की, तो ये तीन टाइप के हो गए जो यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। तो ये तीन बता दिया मैं आपको कि भाई एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहां पे होता है, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट का यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, बस है बस हल्का सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस इंस्ट्रूमेंट का बेसिक प्रिंसिपल, ये बेसिक प्रिंसिपल कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक बेसिक प्रिंसिपल की, तो आप देखिएगा मैं यहां पे ना ऐसा एक कॉइल वाउंड करता हूं, देखिए क्या वाउंड कर रहा हूं, एक यहां पे आपके पास स्ट्रक्चर लिया, इस कोर के ऊपर मैं आपके पास एक कॉइल वाउंड करता हूं, ठीक है। सब कुछ आपको बताऊंगा, इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाइएगा, इस स्ट्रक्चर पे ही पूरी की पूरी कहानी हमारी बेस्ड है। अब देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ भी टाइप की चीज है, जैसे कि क्या यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट अगर आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अपना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना। तो करंट अगर अपने पास फ्लो हो रहा है तो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से ऐसा मैं कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लगाऊंगा, ये यहाँ पे एक नंबर ऑफ टर्न्स मैंने लगा दिए, ठीक। और ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये यहाँ पर खत्म हो गए आके अपने पास, ये ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना अपन ने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए, अभी क्या हुआ कि जिस भी चीज को मुझको मेजर करना है उसके द्वारा निकलने वाला करंट इस कॉइल से पास, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये करंट आई हो गया, ठीक है। तो देखो ये करंट आई इस पूरे टर्न्स पे फ्लो करता जाएगा, ठीक है, और बाद में पूरा ऐसा ये घूम के है ना यहां से निकल जाएगा, ये देखिए घूम के ये पूरा करंट यहां से निकल गया है ना, ये ऐसा, ठीक है। जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ नीचे, व्हेन आई इक्वल टू जीरो, जब आपका करंट क्या होगा, जब आपका करंट जीरो होगा, दिस इज नॉर्मल कॉइल, नॉर्मल कॉइल, ठीक है। मगर व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल आपके पास फॉर्मर लिया, उस फॉर्मर के ऊपर मैंने कॉइल को बांध दिया, उससे मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, और आई कौन सा करंट है, आई वो करंट है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, आई इज व्हाट, करंट टू बी मेजर्ड, करंट टू बी मेजर्ड। अभी आप बताएंगे मेरे को कि आप इतना इसमें फील कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है, आप इसको फील कर पाए कि नहीं कर पाए, ये आप सभी मुझको बताएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे नॉर्मल आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ना एक बहुत ही नॉर्मल सा वाइंडिंग आपके लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये मेरे लिए बन गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल, वेरी सिंपल, क्या बन गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास मैं क्या करूंगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है ना, जैसे ही करंट पास करेगा ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोल्स डेवलप होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है।
तो मैं ना इसी के पास बाजू में जस्ट यहाँ पे बाजू में एक क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक आयरन का पीस रख देता हूँ। ये देखो ये आयरन का मैंने एक पीस रख दिया। क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, एक आयरन पीस। ये देखो ये आयरन, ये आयरन है आपके पास, ठीक है। जब करंट पास कर रहा है तब तो ये मैग्नेट समान बिहेव करेगा। कैसा मैग्नेट समान बिहेव करेगा, कंडीशनल मैग्नेट। जब करंट पास करेगा तो ही मैग्नेट बनेगा, करंट पास नहीं करेगा तब तो फिर मैग्नेट ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये तो गारंटी है इस चीज की कि करंट पास करेगा तो ही ये मैग्नेट बनेगा, अदरवाइज ये मैग्नेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर करंट पास कर रहा है तब तो ये मैग्नेट बन चुका है। ये मैग्नेट बन गया तो दुनिया के हर एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। कभी दुनिया में ऐसा मैग्नेट देखे हो क्या जो आयरन को रिपेल कर दे? नहीं, कभी नहीं देखे हो आप। हमेशा हर मैग्नेट हर सिचुएशन में आयरन को अट्रैक्ट करता है, और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से यहाँ पे बना हुआ ये आयरन है आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या बोल दिया, यहाँ पे एक आयरन हमको देखने को मिल गया, ठीक है। ये आयरन अपने को देखने को मिल गया तो आयरन क्या होने वाला है, ये आयरन अट्रैक्ट होने वाला है। ये आयरन क्या होने वाला है अपने पास, ये आयरन हमारे लिए अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर ये आयरन जो है ना वो अट्रैक्ट होने वाला है, अट्रैक्ट होगा तो किधर जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। मगर इसका इधर आना, आप समझिए, इसका इधर आना क्या होगा, ये अट्रैक्ट हुआ, ये ऐसा इस तरफ आ गया, ठीक है। मगर इसका ऐसा इधर आना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर लीनियर मूवमेंट। क्या हमको एक इंस्ट्रूमेंट में लीनियर मूवमेंट चाहिए होता है? नहीं, हमको एक इंस्ट्रूमेंट में लीनियर मूवमेंट नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ये अट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा, सीधा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करना चाहेगा, ये जाएगा तो ये सबसे लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए इस तरफ जाना चाहेगा, जो आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है, भाई अपने कॉस को अपोज करना, लेंस लॉ, बट हमको उसमें नहीं जाना है, हमको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। ये आयरन अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये ना एक लो रिलक्टेंस पाथ को यूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपके पास, एक लो रिलक्टेंस पाथ को यूज कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर मोशन इज नॉट डिजायर्ड, क्या लिखा मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखो नीचे लिख देता हूँ, लीनियर मोशन इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है। देखिए आप कितने सिंपल सिंपल प्रिंसिपल से मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल से कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, एक उसके ऊपर एक तार बांधा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, करंट पास कराया, करंट वो करंट है जिसको हमको मेजर करना है, पास में एक आयरन रख दिया। नॉर्मल फिजिक्स की बात कर रहे हैं जो क्लास 12th के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई क्लास 12th का बच्चा भी इसको सुन रहा होगा तो समझ जाएगा कि ये मेजरमेंट कैसे परफॉर्म करने वाला है। आप बस ध्यान से सुनते जाएंगे, देखो ये क्या हो गया, ये आयरन हो गया आपके लिए, ठीक है। अभी अगर ये आयरन हो गया तो देखो ये तो कर रहा है लीनियर मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट में दिक्कत है यार, लीनियर मूवमेंट से मेरा काम नहीं बन पाएगा, लीनियर मूवमेंट क्यों कराएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम लीनियर मूवमेंट का इतना झमेला हुआ था, इसी कारण तो हम हेलिकल स्प्रिंग लगाए थे आपके पास, ठीक है। स्पाइरल स्प्रिंग नहीं लगाए थे हम, क्या लगाए थे हम, हेलिकल स्प्रिंग लगाए थे, क्योंकि हमको तो कंट्रोल ही एंगुलर मूवमेंट को करना था, ठीक है। तो अब यार मैं यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट कैसे लेके आऊंगा, देखो बहुत सिंपल काम किया मैं। आप क्या देखे हैं, आप स्पिंडल देखे हैं, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्पिंडल का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू में स्पिंडल कैसा दिखता है, टॉप व्यू में ना स्पिंडल दिखता है आपको एक सर्कल समान, ठीक है। तो देखो मैं क्या किया, इस आयरन को ऐसा थोड़ा सा एक्सपांड किया, ठीक है, जैसा इसको एक्सपेंड कर दिया है ना, और इसके सराउंडिंग में मैं लाया एक बढ़िया सा स्पिंडल, ये स्पिंडल आपको ऐसा दिख रहा है, ये स्पिंडल, ठीक। अब ये स्पिंडल क्या है, ये स्पिंडल तो पूरी एक आपके पास ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, बस इसका मैं आपको दिखा के, देखो ये पेन समान जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन स्पिंडल बोलते हैं, ये रोटेट करता है, ये ऐसा रोटेट करता है, ये आपको दिखाया हूँ पीएमएमसी में है ना। तो देखो यहाँ पे लगा दिया स्पिंडल, अब देखो ये स्पिंडल है, ये ऐसा टॉप व्यू इसका आप देख रहे हैं, तो आपको कैसा दिखेगा, आपको ये एक डॉट समान दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा, ये एक सिंपल से डॉट के समान दिखेगा, ठीक है। अगर आपको ये सिंपल से एक डॉट के समान दिख रहा है ना, और ये तो फिक्स्ड रहता है, स्पिंडल कैसा होता है, स्पिंडल तो ऊपर से और नीचे से फिक्स होता है। तो अब देखो, अब आयरन अट्रैक्ट तो होगा, अब जब आयरन अट्रैक्ट होगा तो ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन ना लीनियर मोशन नहीं दिखा पाएगा, ये आयरन क्या कर पाएगा, ये आयरन आपके लिए लीनियर मोशन नहीं दिखा पाएगा। ये आयरन क्या दिखाएगा आपके पास, देखो ये तो ऐसा बेंड हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तो ऐसा बेंड हो गया, देखो ऐसा था ये आपके पास, ठीक है। अब इसको ये एंड इसका फिक्स्ड है, ठीक है, और इधर से कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एंड तो फिक्स्ड है, इस वजह से ये ऐसा बेंड करेगा, इस वजह से क्या करेगा, ये ऐसा बेंड करेगा। समझ में आया, सबको बेंड होता हुआ फील हुआ कि इसको नीचे अपन जब क्लैंप किए, ये तो फिक्स्ड है, ये तो स्पिंडल है, इसको जैसे ही अपन फिक्स्ड किए तो सबको समझ में आया कि देखो भाई इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है, तो अब ये ना ऐसा बेंड करेगा, ठीक।
ये सब लोग फील कर पाए क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यस सर, हम फील कर पा रहे हैं कि ये आयरन का जो आपके पास वेन है, पतला सा प्लेट है, ये नीचे ऐसा बेंड करने की कोशिश करेगा, ये हम समझ पा रहे हैं सर, है ना? सब फटाफट बताएं मुझको कि ये हम लोग समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, ठीक है? एकदम बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है, एकदम बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है। देखो इतना फिजिक सामान समझा रहा हूँ आपको मैं, है ना? दिस इज वॉट, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, दिस इज माई स्पिंडल, दिस इज माई स्पिंडल, ठीक है? दिस इज वॉट, दिस इज माई स्पिंडल, है ना? क्या है ये आपके लिए? ये आपका स्पिंडल है, ठीक है? स्पिंडल क्या होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना? तो ये स्पिंडल था आपके पास, सब लोग फील कर पाए, ठीक है? स्पिंडल आयरन का नहीं होता भाई, स्पिंडल आयरन का नहीं होता, उसको भी थोड़ी ना आपको अट्रैक्ट करवा देगा, और अगर होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से तो ये फिक्स्ड है ना। अब थोड़ी कर इतना मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी है कि रॉड को तोड़ के इधर ले आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है आपके पास, ठीक है? तो सब लोग फील करें कि ये क्या है, ये आयरन का एक रॉड था। अब देखो ये जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। तो क्या होगा आपके पास कि मैं ना इसके सराउंडिंग में, ठीक है, देखो मैं इसके साथ सराउंडिंग में इसके मूवमेंट को रोकने के लिए ऐसा लगाऊंगा एक हेलिकल स्प्रिंग, एंड दिस हेलिकल स्प्रिंग विल प्रोवाइड व्हाट, दिस हेलिकल स्प्रिंग विल प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क। स्प्रिंग, स्प्रिंग किस लिए लगा है यहाँ पे? स्प्रिंग लगा है, देखो ये आपका स्प्रिंग है, किस लिए स्प्रिंग लगा है आपके पास? कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने। तो देखो जब ये इधर जाएगा तो ये स्प्रिंग ना खुद को ऐसा रोटेट करेगा और इसको रोकना चाहेगा, तो ये अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये स्प्रिंग क्या करेगा आपके पास? ये स्प्रिंग लगाएगा अपोजिट फोर्स, ठीक है? ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग लगाएगा आपके लिए अपोजिट फोर्स, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही बेहतरीन सा काम करेंगे, जो ये आपका आयरन का रॉड लगा हुआ है, इस आयरन के रॉड पे मैं लगा दूंगा ऐसा नीडल, ठीक है? और इस नीडल के ऊपर मैं रख दूंगा ऐसा एक कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक है? मैं रख दूंगा क्या यहाँ पे, कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक, मैं रख दूंगा क्या एक ऐसा कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक है? ये देखो ये ऐसा कैलिब्रेटेड स्केल। अब देखो इधर जो मूवमेंट हो रहा है इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है? और यहाँ पे जब ये मूव करके आगे आ जाएगा कहीं आके रुकेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा आपके पास स्प्रिंग की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है? और इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। ये एंगल क्या कहलाएगा आपके पास, ये एंगल कहलाएगा आपके लिए थीटा, करेक्ट बात, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन इज गेटिंग अट्रैक्टेड, आयरन इज गेटिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आयरन इज गेटिंग अट्रैक्टेड, आयरन इज गेटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर फिगर फॉर अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? इसको मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज कॉल्ड योर अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? हाँ, कंट्रोलिंग के लिए हेलिकल लगाए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, बिल्कुल हेलिकल लगाए, क्योंकि हेलिकल क्यों लगाते हैं वो भी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि भाई ये एंगुलर मोशन को अपोज करता है, ठीक है? तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, थोड़ा सा इसके मूवमेंट को फील कर पाए क्या सभी, थोड़ा सा इसके मूवमेंट को फील कर पाए क्या सभी लोग, एक बार बताएंगे मेरे को फटाफट कि यस सर अपन ना फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? हम लोग क्या कर पा रहे हैं सर, इसको फील कर पा रहे हैं, ये सभी मुझको बताएं एक बार कि यस सर हमको ना पूरा फीलिंग आया कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है? कैसे काम कर रहा है, है ना? सॉफ्ट आयरन का, है ना निर्भय, सॉफ्ट आयरन का, ठीक? ये सब लोग फील कर पाएगा एकदम बेहतरीन टाइप से, मतलब मैं फिजिक्स सामान समझा रहा हूँ आपको, इंस्ट्रूमेंट, ताकि आप ना इसकी फीलिंग को समझ पाओ, ये कैसे मूव करता है उसको समझ पाओ। अगर आप ना इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले याद कर लिए लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके डायनेमिक्स कैसे हैं, उसका मोशन कैसा है, तो आप
फिर इंस्ट्रूमेंट पूरा सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं पढ़े। तो आप लोग को ये समझ में आया ना बहुत बेहतरीन टाइप से, ठीक है। एनालॉग का क्वेश्चन सीरीज लगेगा स्पेशल क्लास में, डोंट वरी, एक एक करके लगेगा। पहले ही बोल चुका हूँ नेटवर्क का चल रहा है, नेटवर्क खत्म होगा उसके बाद ही कुछ दूसरा स्टार्ट करूंगा। ओके, हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक के? लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिखा था, मैं यहाँ पे क्या लिखा था, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा इसको मैंने, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। मैंने क्या लिख दिया इसका नाम, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिक्स वगैरह स्पिंडल से क्यों किया गया है, ताकि लीनियर मोशन को हम किस में कन्वर्ट कर पाए, लीनियर मोशन को हम कन्वर्ट कर पाए नॉर्मल अपने रोटेटरी मोशन में, ठीक है, नॉर्मल अपने रोटेटरी मोशन में, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिसको हम बाद में नाम देंगे रिपल्शन टाइप, जिसको हम बाद में नाम देंगे किसके, रिपल्शन टाइप। क्योंकि थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, अभी बस थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि मैं दोनों को एक साथ कंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। देखिए, एक आध आपके माइंड में जो डाउट आएगा ना, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आप इसको आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। देखो ये करंट फ्लो कर रहा है, वही सेम फॉर्मर ले लिया आपके पास, ठीक है। ये सेम आपका फॉर्मर, वही सेम आपका कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का सेम पुराना स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का ये सेम वही पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का वही पुराना छोटा सा स्ट्रक्चर, किसको बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का स्ट्रक्चर है। आ रहा हूँ बेटा ऋतिक, है ना, आ रहा हूँ आपके पास, डैम्पिंग टॉर्क की बात करूंगा, है ना। सर फॉर्मर हॉलो होता है, हाँ बिल्कुल हॉलो होता है, ठीक है। सर ये मेजरमेंट का पूरा कोर्स कब तक हो जाएगा, अब अभी आराम से एंजॉय करो, मैं तो सब बता चुका हूँ, लेक्चर जीरो आप जाके देख लो कब खत्म होगा, कितने में खत्म होगा, ठीक है। तो उसको देख लो आराम से आप, ठीक है। हाँ, आयरन रॉड कैसे अटैच होता है स्पिंडल से, 3D में समझा दीजिए, पहले समझा चुका हूँ 3D में बेटा, तब आप अटेंड नहीं किए क्लास, मेरे को ऐसा लगता है फर्मी पैराडॉक्स, ठीक है। स्पिंडल, स्पिंडल कैसे दिखता है, क्या दिखता है, सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ देखो, ये ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है, है ना। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार ना मैं देखो दो स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, अब की बार में दो स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ठीक। ये देखिए, एक तो लिया मैं यहाँ पे आयरन रॉड, ठीक है, एक ले लिया मैं यहाँ पे आयरन रॉड, और ये ले लिया मैं दूसरा आयरन रॉड, ये मैंने ले लिया दूसरा आयरन रॉड। लेकिन जो पहला आयरन रॉड है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये फिक्स्ड है, ये क्या है आपके पास, ये फिक्स्ड है भाई, ये जो आपको आयरन रॉड देखने को मिल रहा है, दिस इज फिक्स्ड, ये आपके पास कैसा दिख रहा है, ये आपको ना फिक्स्ड दिख रहा है, दिस इज फिक्स्ड, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज फिक्स्ड आयरन रॉड, ये भी आयरन रॉड है, वो भी आयरन रॉड है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फिक्स्ड है, है ना। इसको हम लोग स्ट्रक्चर वाइज क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग स्ट्रक्चर वाइज बोल रहे हैं फिक्स्ड होने के लिए, ठीक है। अब देखो जो दूसरा आयरन रॉड है, ये इसके साइड में रखा हुआ है, ये ऐसा इसके साइड में रखा हुआ है, ठीक, ये फिक्स्ड नहीं है, ये दूसरा वाला जो आयरन रॉड तो नहीं है एग्जैक्टली, ये आयरन का वेन है, वेन मतलब समझ रहे हो आप, वेन मतलब एक ऐसा प्लेन सा आपके पास सरफेस रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि ये दोनों आपके पास रखे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना, आप इसको समझेंगे। तो मान लीजिए कि भाई दो मोबाइल फोन समान ऐसा रखा हुआ है, देखो ये एक हो गया आपके पास आयरन रॉड और ये आपके पास हो गया एक आयरन रॉड, दोनों पास पास बहुत क्लोज पेरिफेरी में रखे हुए हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बहुत क्लोज पेरिफेरी में रखे हुए हैं तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो व्हाट विल हैपन एक्चुअली, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो किया, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, करंट फ्लो करते ये हो गया आपके पास नॉर्थ पोल, ये हो गया आपके पास साउथ पोल, ये हो गया आपके पास नॉर्थ पोल, ये हो गया आपके पास साउथ पोल, ठीक है। तो ये ऐसा अपने को देखने को मिला, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अभी वो डेवलप हुआ है कि नहीं वो मत छोड़ो, लेकिन पोल तो डेवलप होंगे, और दोनों के दोनों आजू बाजू सेम डायमेंशन के एक समान रखे हुए हैं, सेम ओरिएंटेशन में, दोनों पे सेम पोल डेवलप होंगे। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हुआ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ डेवलप होगा, यहाँ पे साउथ डेवलप हुआ है तो यहाँ पे भी साउथ डेवलप होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो पोल के डेवलप होने का जो तरीका है ना, वो पोल आपके पास इस तरीके से डेवलप होगा। तो अगर ऐसा पोल डेवलप होगा, दोनों आयरन रॉड है, दोनों मैग्नेटाइज हो चुके हैं, ये तो अट्रैक्ट हो नहीं सकता इधर, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, बचता कौन है, ये है। तो ये क्या होगा, ये ना रिपेल होगा, कैसे, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को धक्का मारेगा, ये साउथ इस साउथ को धक्का मारेगा। तो ये दोनों क्या होने वाले हैं, ये दोनों आपके लिए रिपेल होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये ऐसे ही नॉर्मली रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसा ही नॉर्मल रिपल्शन रखने से, ऐसा ही नॉर्मल
रिपल्शन रखने से क्या होगा आपके पास, इस तरीके से नॉर्मल रिपल्शन रखने से ना एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो क्या कि ये फिर से लीनियर मोमेंट दिखाएगा, तो कुछ नहीं, लीनियर मोमेंट तो हम आसानी से हटा सकते हैं। कैसे? बस वही पुराना जुगाड़ है ना, आप लाओ यहाँ पे एक स्पिंडल, ठीक है, आप लाओ यहाँ पे एक बढ़िया सा स्पिंडल, छोटा सा, ठीक है, इस स्पिंडल को करो अटैच, इससे इस स्पिंडल को करो आप अटैच इससे, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो आप एक हेलिकल स्प्रिंग। अब जब ये धक्का खाएगा तो इसका एक एंड तो हो गया फिक्स, ये पूरा फिक्स था, इसके एक एंड को मैंने स्पिंडल से फिक्स कर दिया, स्पिंडल बस रोटेट कर सकता है, तो क्या होगा कि ये जब धक्का खाएगा तो ये इधर जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ लगा देंगे ऐसा एक नीडल, ठीक है, और ये नीडल क्या करेगा, ये नीडल ऐसा ऊपर एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करेगा, ये नीडल क्या करेगा आपके पास, एक ऐसा कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करेगा, ये ऐसा एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर ये क्या करने वाला है, एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर ये मूव करने वाला है, तो ये मस्त आराम से जाएगा वैसा, ठीक है, तो जब भी डिफ्लेक्शन वाला कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो देखो ये कहीं आके नीडल रुक जाएगा, और ये नीडल रुक जाएगा तो ये क्या डेवलप हुआ यहाँ पे, एक ऐसा थीटा डेवलप हो गया आपके लिए, ठीक है, क्या डेवलप हो गया यहाँ पे, ये एंगल थीटा, इस एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल थीटा को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इस एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल थीटा को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सभी लोग समझ पाए क्या, यहाँ पे भी ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सभी लोग समझ पाए क्या अच्छे से, यस सर, की मूवमेंट कैसे हो रहा है, मूवमेंट को सभी लोग फील कर पाए क्या, मूवमेंट को सभी लोग फील कर पाए क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फिगर ऑफ रिपल्शन टाइप, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये उसका फिगर, इसका फिगर हो गया, ये रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का फिगर हो गया, ठीक है, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सब लोग समझ गए रिपल्शन कैसे होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है, इससे सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दुनिया में देखने को नहीं मिल सकता, और इससे सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कोई भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग नहीं समझा सकता, तो आप देखो कितने ढंग से, कितने आराम से आप लोग खेल खेल में समझ गए कि भाई इन सब का डिफ्लेक्शन वगैरह कैसे होता है, अट्रैक्शन टाइप क्यों बोलते हैं, रिपल्शन टाइप क्यों होते हैं, ये सब आप लोग समझ गए, देखो ये पहला आपको दिख रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरा अपने को दिख रहा है रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ये सब चीज़ें अपने को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, क्लियर, दोनों फील हुआ बताएं कमेंट बॉक्स में फटाफट कि यस सर दोनों इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से फील कर पाए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप फटाफट लाइक बटन दबा दें, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो इससे, तो आप फटाफट लाइक बटन दबा दें। अब थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल के ऊपर आता हूं मैं, अब थोड़ा सा किसके ऊपर आता हूं मैं, प्रिंसिपल के ऊपर आता हूं, ठीक है, अभी मैं इसकी बात करता हूं प्रिंसिपल की, भाई एक्सप्रेशंस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये भी तो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टॉर्क एक्सप्रेशन के आइडिया की, अभी निकाल नहीं रहा हूँ टॉर्क एक्सप्रेशन, आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि टॉर्क एक्सप्रेशन का आइडिया क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, है ना, ये किसी साइंटिस्ट ने बनाया क्यों, ठीक है, ये तो मैंने बहुत कम यहाँ पे ना वो दिखाए हैं, बहुत कम एलिमेंट्स दिखाए हैं, एक्चुअली तो एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ना आपको बहुत ही कम एलिमेंट्स बताए हैं यहाँ पे, ठीक, तो आपको ये पता रहे कि भाई एलिमेंट्स जो है यहाँ पे वो कम से कम रखे गए हैं, फाइन, ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कल बोलेंगे सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उससे इंपॉर्टेंट सर जिंदगी में कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं समझ गया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉर्क एक्सप्रेशन, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके पास, टॉर्क के एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ अगला आपके पास क्या,
टॉर्क एक्सप्रेशन, अभी मैं इसको बस बता रहा हूँ बेसिक आपको, है ना, टॉर्क एक्सप्रेशन, अभी आप सुनते जाइएगा मेरी बात, दोनों फिगर पे फिर से आ रहा हूँ, टॉर्क एक्सप्रेशन, है ना, असली बात तो निकालूंगा एकदम गजब टाइप से, बट अभी आप प्रिंसिपल को समझिए, है ना। इसको बनाने से पहले साइंटिस्ट लोग के माइंड में आइडिया कैसे आया था, देखो कोई डाउट तो पूछ नहीं रहा है मेरे से, है ना, तो मैं आप लोग को डाउट बता देता हूँ कि आप लोग के माइंड में क्या डाउट आना चाहिए था, और सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे माइंड में ये डाउट आया था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये भी एसी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये भी एसी होगा, ठीक है, ये आई एसी होगा, मान लिया मेरी बात, ये भी एसी होगा और ये आई एसी होगा, ठीक है। तो अगर मैं वेवफॉर्म बना दूं जस्ट इसका मैं वेवफॉर्म बना दूं, तो वेवफॉर्म कैसे बनेगा, चाहे मैं करंट, चलो मैं करंट की बात करता हूं क्योंकि हम करंट ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसा अपना वेवफॉर्म बनेगा, ठीक है। सर इस वेवफॉर्म का क्या मतलब, देखो ये करंट का वेवफॉर्म है आपका, आई ए सी करंट का वेवफॉर्म है ना, इंपॉर्टेंट क्या, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, करेक्ट, मान लिए सभी लोग, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, मान लिए। अब मैं कोई बात बताओ, आधे टाइम तो ये करंट पॉजिटिव रहेगा, आधे टाइम के लिए करंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, दो पॉसिबिलिटी है, आधे टाइम के लिए करंट पॉजिटिव रहेगा, आधे टाइम के लिए करंट नेगेटिव रहेगा, तो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, चलो मान लिया आपकी बात सर, है ना। लेकिन ये सब पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद आप मेरे को एक बात बताइए ना कि भाई अगर करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपके अकॉर्डिंग टॉर्क यूनिडायरेक्शनल रहेगा कि बायडायरेक्शनल रहेगा, फटाफट बताएं, आपके अकॉर्डिंग टॉर्क यूनिडायरेक्शनल रहेगा कि बायडायरेक्शनल रहेगा। यहीं पे तो पीएमएमसी में फंसे थे हम, आप याद करो पीएमएमसी में एसी दिया था तो टॉर्क एक बार इस तरफ जा रहा था एक बार इस तरफ जा रहा था, मतलब टॉर्क ऐसा ऑसिलेट कर रहा था, इस कारण उससे एसी को मेजर करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन यहां तो मैं बोल रहा हूं कि एसी को ही मेजर करना है, तो आप मेरे को सोच के बताएं अभी फटाफट कि हां भाई एसी है, मैं तो बोल दिया एसी है, एसी के अलावा डीसी नहीं है, फिलहाल तो डीसी नहीं है, यहाँ पे एसी है, अब ये ऑसिलेट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑसिलेट करेगा, तो ये करंट जो नीचे आ रहा था यही करंट तो ऊपर भी जाएगा, है ना, ऐसा होगा कि नहीं। तो हमने पीएमएमसी में क्या पढ़ा था, देखो मैं बताता हूँ आपको पीएमएमसी में हमने क्या पढ़ा था, पीएमएमसी में जब टॉर्क निकाला था तो एन बी आई ए बोला था, इसका मतलब क्या, टॉर्क वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पीएमएमसी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, है ना, ये पीएमएमसी की बात कर रहा हूँ, टॉर्क वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अभी टॉर्क आपका आई के प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टॉर्क अगर आपका करंट आपका पॉजिटिव तो टॉर्क भी आपका पॉजिटिव, करंट अगर आपका नेगेटिव तो टॉर्क भी आपका नेगेटिव, दिख गया, इसका मतलब क्या, पीएमएमसी में टॉर्क इस बायडायरेक्शनल, टॉर्क इस बायडायरेक्शनल, करेक्ट, तब तो हो रहा था ना, मैं एसी अप्लाई किया पीएमएमसी में, एक बार इधर गया एक बार इधर गया एक बार इधर गया एक बार इधर गया, ऐसा ऐसा हिलने लगा, भाई एसी का मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, टॉर्क इज बायडायरेक्शनल, एसी मेजरमेंट Not possible. किसकी बात किया मैं? PMMC की बात किया. अब बताओ मुझको क्या यहाँ पे टॉर्क बायडायरेक्शनल लग रहा है कि यूनिडायरेक्शनल लग रहा है? क्या लग रहा है आपको ये बताओ यार, इतना सोचना नहीं सही गलत क्या है, आपको क्या लग रहा है ये बताना है, ठीक है। सर खत्म कितने दिन में हो जाएगा? 40 to 45 hours बोल रखा हूँ बेटा सागर आपको, है ना, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सागर मंगल, सॉरी सौरभ बोल दिया क्या मैंने, सब बोल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल। अभी क्वेश्चन आता है कि भाई यूनिडायरेक्शनल कैसे होगा, तो देखो मैं बताता हूँ आपको यूनिडायरेक्शनल कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको कि यूनिडायरेक्शनल कैसे होने वाला है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल कैसे होने वाला है। देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ डेवलप हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव हाफ साइकिल आने वाला है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे भी साउथ और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे भी नॉर्थ। तो देखो आपका जो आयरन पीस में पोल इंड्यूस होने वाला है
वो पोल नॉर्थ और नॉर्थ होगा, लेकिन जब चेंज होगा तो मेरे भाई दोनों का पोल चेंज होगा ना, तो अगर दोनों का पोल चेंज होगा तो साउथ और साउथ ही है, तो चाहे नॉर्थ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन रहे, चाहे साउथ और साउथ का कॉम्बिनेशन रहे, मारेंगे तो ये इसको धक्का ही। तो टॉर्क कैसे होगा यहाँ पे? टॉर्क इन केस ऑफ, टॉर्क इन केस ऑफ दिस इज व्हाट, यूनिडायरेक्शनल। टॉर्क कैसा होने वाला है मेरे भाई? टॉर्क होने वाला है यूनिडायरेक्शनल। टॉर्क क्या रहेगा यार? टॉर्क तो बन गया यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। देखो सिद्धार्थ ने लिख भी दिया, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंजेस, दस पोलैरिटी ऑफ आयरन आल्सो चेंजेस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब फिर से बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक, इनपुट क्या है भाई और आउटपुट क्या है, बताएं फटाफट, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, ठीक है। इनपुट क्या होगा बताओ ना, सिस्टम का इनपुट क्या होगा? सिस्टम का इनपुट करंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सिस्टम का इनपुट करंट हो, चाहे अट्रैक्शन टाइप हो चाहे रिपल्शन टाइप हो, सिस्टम का इनपुट क्या होने वाला है? सिस्टम का इनपुट तो करंट होने वाला है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज करंट, दिस इज माय करंट। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट, अरे आउटपुट क्या होगा, अरे डिफ्लेक्शन होगा, और क्या होगा? आउटपुट इज व्हाट, डिफ्लेक्शन थीटा। आउटपुट इज व्हाट, डिफ्लेक्शन थीटा। तो करंट आके आपके पास ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आयरन तो फिक्स्ड है, चेंज कैसे हुआ? क्या फिक्स्ड है बेटा? बोला आयरन तो फिक्स्ड है। आयरन कौन सा फिक्स्ड है? हाँ ये आयरन फिक्स्ड है ना, आयरन फिक्स्ड है, मतलब आयरन पकड़ के रखा है, आयरन डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता। पोलैरिटी तो चेंज हो सकती है ना, पोलैरिटी चेंज होगी भाई, ठीक है। तो चलो लिख दिया यहाँ पे क्या, करंट एंड थीटा, इसको भी लिख दिया मैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है ना, एक अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एक रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ, बार बार पोल चेंज होने से लॉसेस तो बढ़ेगा और इंस्ट्रूमेंट बनाने का मोटो ही चेंज हो जाएगा। क्या लॉसेस बढ़ेगा मेरा भाई, है ना, लॉसेस बढ़ेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लॉस कम भी तो हो रहा है, वो फ्रिक्शन लॉसेस है, क्योंकि भाई यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, आपका जो डिफ्लेक्टिंग मैकेनिज्म है और जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, तो फिर आपका फ्रिक्शन भी तो कम हो रहा है इसमें भी और पीएमएमसी में भी, ठीक है। अब तो अंत में आके बोलेगा कि यार लॉसेस को हम लोग जीरो ही कर लेते हैं, तो भाई साइंस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लॉसेस जीरो हो जाए, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। तो ये दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो क्या, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट, ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय एक तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग आयरन बार, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग आयरन बार, ठीक है। ये दो चीजों पे इसकी डिपेंडेंसी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग आयरन बार। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग आयरन बार, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ये भैया आपने, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग आयरन बार मतलब ये अपना मैग्नेटाइजिंग आयरन बार है। इन दोनों पर डिपेंडेंसी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? ज्यादा करंट पास करा दे मेरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ज्यादा करंट पास करा दे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंसान का है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी का है। उस आदमी का नाम क्या है? उस आदमी का नाम करंट रखे हम, ठीक है। तो अगर उस आदमी का नाम करंट रख दूं मैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मनी करंट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग आयरन बार, भाई
करंट ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग आयरन बार भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया अगेन आई, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, है ना, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, तो यही तो वो फोर्स है जो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है। तो अंत में आप देखो कि अगर यहाँ पे टॉर्क आ गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, तो अब देखो एसी है तो करंट क्या हो सकता है, अरे एसी है ना मेरे भाई, एसी है तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। तो देखो पॉजिटिव करंट का स्क्वायर और बड़ा नंबर, ठीक है। करंट अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव नंबर होता है, तो चाहे करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो चाहे करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में हो, टॉर्क को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टॉर्क तो खुद करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। टॉर्क खुद किसके प्रोपोर्शनल है, टॉर्क खुद करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इस कारण टॉर्क यूनिडायरेक्शनल होता है। तो पीएमएमसी में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब आई को डालेंगे पॉजिटिव तो टॉर्क होगा पॉजिटिव, आई को डालेंगे नेगेटिव तो टॉर्क होगा नेगेटिव, है ना। अगर मैं बात करता हूं मूविंग आयरन की, तो मूविंग आयरन में क्या होगा, मूविंग आयरन में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, तो अगर हम करंट को डालेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, है ना, करंट को हम डालेंगे आधे हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। हर सिचुएशन में करंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपका आंसर तो क्या आने वाला है, आपका आंसर तो आने वाला है पॉजिटिव। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन केस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप मेरे को बता दो कि क्या आपको मूविंग आयरन एकदम पानी की तरह साफ है क्या, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वेट कर रहा हूँ आप सभी के रिस्पॉन्स का, आप सभी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक, आप सभी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, है ना, समझ गए पल्लव जी। अक्षय विश्वकर्मा गुड आफ्टरनून, है ना। आपके जैसा कोई कॉलेज में सिखाया होता तो लाइफ में कभी बंक नहीं मारता, बंक तो हम भी मारे तो बंक मारने को तो हम गलत नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, है ना, बंक मारना एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, किसी भी अच्छे टीचर को उसको बंक मारने से नहीं रोकना चाहिए कॉलेज में, ठीक है। ऑफ रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ, किसी को ऐसा बोलना मत कॉलेज में जाके, है ना, तो मेरे को गाली देंगे। हाँ क्लियर हो गया सभी को। अच्छा अभी ये ना बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, अभी ये आपके पास बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। और ये टॉर्क कौन सा है, इस टॉर्क को मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी तो बोल सकता हूँ ना, ये टॉर्क है कौन सा, ये टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये टॉर्क कौन सा टॉर्क हुआ आपका, ये टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ, है ना। तो आप ध्यान रखें नाम कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक है। अभी आपको एक और बहुत गजब की चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप बने रहिएगा मेरे साथ, सुनते जाइएगा, ठीक है। आप मेजरमेंट का सीरीज पूरा देख लेंगे ना, आपको मेजरमेंट में दुनिया में कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक। पैराडॉक्स जी हंस रहे हैं, उनका नाम बड़ा गजब था, फर्मी पैराडॉक्स, ऐसा लग रहा है कि नेशनल ज्योग्राफी में पैदा हुए थे भाई साहब, है ना, वहीं से ऐसा नाम आ सकता है, ठीक है। हाँ कल का क्लास हुआ था क्या, नहीं यार कल तो क्लास नहीं हुआ था, बताया था, है ना, कि माइक खराब हो गया था मेरा, क्लास चालू किया था फिर माइक खराब हो गया था, तो उस कारण कल की क्लास में कंटिन्यू नहीं किया था, कल वाली क्लास ही आज चल रही है, आज जो पिक्चर आप देख रहे हैं पिक्चर कल की है, ठीक है। मतलब मैं लाइव हूँ, कोई ये मत बोले कि सर लाइव नहीं सर रिकॉर्डेड आते, मैं लाइव हूँ भाई, है ना। चलिए ये समझ गए सभी लोग। अब आता हूँ एक दूसरे कंडीशन में, भी मैं क्या बोला कि टॉर्क इक्वेशन ना मैंने डिराइव नहीं किया है, टॉर्क इक्वेशन तो अभी लाऊंगा मैं गजब टाइप से, आपको मैकेनिक्स समझा के टॉर्क इक्वेशन लेके आऊंगा, पूरा डायनेमिक समझा के, ठीक है। लेकिन आप अभी बेसिक फीलिंग को समझना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करता हूँ आपसे केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन की, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अरे यार वही सस्ती सी चीज, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क सेम हो जाता है। अभी आप कोई बोलेगा कि सर आप डैम्पिंग टॉर्क के बारे में बात नहीं कर रहे, कर देंगे भाई, डैम्पिंग टॉर्क के बारे में भी बात कर देंगे, जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो डैम्पिंग टॉर्क को भी क्यों छोड़ेंगे, वक्त आन दो उसका, ठीक है। हाँ टी डी इज इक्वल टू टी सी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर। अब ये मत बोलना सर कांस्टेंट कहाँ से ले आया भाई, यहाँ पर लिखा था ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को उठाने के लिए वो कांस्टेंट में कुछ भी उठा के ले आया, वो कांस्टेंट क्या होगा इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत बेहतरीन टाइप से डिस्कशन करूंगा आपसे, तो उसका लोड मत लीजिए, ठीक है। दीपांशु जी कल की क्लास खराब हो गई थी, इस कारण मैं सैटरडे को तो क्लास रख ले रहा हूं, है ना, सैटरडे को क्लास रहेगी, संडे को अपन सैटरडे को डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो देखिए के वन इंटू आई स्क्वायर, अब देखो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ,
तो के टू टाइम्स ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास के टू टाइम्स ऑफ थीटा, के टू टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये कोई सा कॉन्स्टेंट है, दिस इज सम कॉन्स्टेंट, अरे कोई भी कॉन्स्टेंट है, कल इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में डिस्कस करूंगा, वो कॉन्स्टेंट क्यों है, कहाँ से आया, किसने लाया, किसने पैदा किया, उसके पिताजी कौन है, उसकी मम्मी कौन है, सब बात करेंगे उसकी, ठीक है अपन। हाँ ये क्या आपके पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, इसके बारे में तो अपन बात कर चुके हैं, अरे कंट्रोल करने के लिए केवल स्प्रिंग लगाया ना, तो क्या होगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दिया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा को लिख सकता हूँ मैं ऐसा, के वन डिवाइडेड बाय के टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आई का स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब आप स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, आप स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, हम इसको क्यों मेजर कर, क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, हम इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कहां से आता है यार, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। अब देखो स्केलिंग मैच किससे कर रही है, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर वहां भी था, स्क्वायर यहां पे भी है, ये स्केल ना रूट मीन स्क्वायर को ज्यादा एक्यूरेटली दिखा पाता है, ये स्केल जो है ये रूट मीन स्क्वायर को ज्यादा एक्यूरेटली दिखा पाता है, ठीक है। अच्छा अभी इस स्केल की बात करता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्केल को हम कहते हैं नॉन लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल, ठीक है। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कहाँ आया था, पीएमएमसी में आया था, उसको मैंने क्या कहा था, उसको मैंने आपका लीनियर स्केल कहा था, ठीक है। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच यार अक्षय जी, है ना, अक्षय मेरे बहुत खास दोस्त का नाम है, ठीक है, तो अक्षय जी को थैंक यू सो मच, है ना। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये हो गया नॉन लीनियर। अब मेरी दो चार बातों को आप बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही आराम से, ये मैं बना दिया एक स्केल, ये होगा आपके पास क्या जीरो, ठीक है, ये होगा आपके पास क्या फुल स्केल वैल्यू, ये क्या होगा आपके पास फुल स्केल वैल्यू। अभी बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे ये बात को सब मेरी, है ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कि जो ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, अब करंट को तो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ ना, अरे मेरे भाई यहाँ से वोल्टेज को चेंज कर दूंगा तो करंट कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोग करंट डिफरेंट डिफरेंट पास कराते हैं। तो मान लो सबसे पहले क्या हुआ, मान लो ऐसा क्या बोला मैं, मान लो कि आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वेशन आपका दिख रहा है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। तो 1 एम्पियर का जब मैंने करंट पास कराया, सुनना इसको बहुत ध्यान से, 1 एम्पियर का जब मैंने करंट पास कराया, ठीक, देखो ये इधर से इधर आ गया, ठीक है, मैं बोला कि 1 एम्पियर का मैंने करंट पास कराया, ठीक। तो मान लीजिए कि 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिला, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ से ना 5 डिग्री नापा, ये देखो ये आपके पास था 5 डिग्री, ठीक है, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया 1 एम्पियर, ठीक है। मैंने जस्ट आपके पास क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ से क्या पास कराया, मैंने यहाँ से केवल 1 एम्पियर पास कराया, और मैंने ऑब्जर्व किया कि 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 5 डिग्री के एंगल पे मैंने 1 एम्पियर इस स्केल पे मार्क कर दिया, ठीक है। ऐसे कैलिब्रेशन करते हैं। अब देखो जब मैं फ्लो कराऊंगा 2 एम्पियर, ठीक है, जब मैं फ्लो कराऊंगा 2 एम्पियर, ठीक, तो आप बताएंगे मुझको कि 2 एम्पियर फ्लो कराने से, 2 एम्पियर फ्लो कराने से कितना आएगा आपका एंगल 2 एम्पियर फ्लो कराने से। देखो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू आई वन का स्क्वायर बाय आई टू का स्क्वायर। बोले सर कहाँ से आ गया ये, देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। थीटा 1 5 डिग्री है, ठीक है, और ये 1 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय थीटा 2 अपॉन ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 2 एम्पियर। तो देखो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये ऐसा हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर। तो थीटा 2 कैसे आएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू, देखो थीटा 2 उधर जाके हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। थीटा 2, थीटा 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा 20 डिग्री, ठीक है।
ठीक है, तो अगला जो आपके लिए 1 एम्पियर आएगा, मतलब जहां पे मैं 2 एम्पियर मार्क करूंगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 20 डिग्री होगा, मतलब 2 एम्पियर को तो यहाँ पे मार्क करूंगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस दिख रहा है क्या, आपको ये दोनों डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस दिख रहा है क्या? देखो, जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में है, तो 1 एम्पीयर का डिस्टेंस तो ये भी है और 1 एम्पीयर का डिस्टेंस ये भी है, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। एक 5 डिग्री का होगा, तो ये दूसरा डिस्टेंस कितने का होगा, ये दूसरा डिस्टेंस ना 15 डिग्री का होगा, ये दूसरा डिस्टेंस कितने का होगा, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये 15 डिग्री का होगा, मतलब क्या, स्केल यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर डिवीजन के बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं है। हर डिवीजन के बीच में इक्वल स्पेसिंग कहाँ पे होती थी, आपके पीएमएमसी में होती थी, यहाँ पे हर डिवीजन के बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं होने वाली है। गॉट माय पॉइंट, सब लोग समझ पाए प्रैक्टिकली कि कैसे स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है। टेस्ट करंट पास कराते हैं, ये इक्वेशन से एंगल को मेजर करते जाते हैं, एंगल को मेजर कर करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है, तो इस तरीके से कैलिब्रेशन कराया जाता है। तो इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्केल को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, अभी और ध्यान से देखना, स्क्वायर लॉ का अगर मैं ग्राफ बना दूं, स्क्वायर लॉ का ऐसा बनता है, स्क्वायर लॉ का ग्राफ, ठीक है, और इसका अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ड्रॉ करूं, देखो यहां पे अप्रोक्सीमेशन अपन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका अगर मैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन करूं, तो इसका ना ऐसा एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगा, देखो ऐसा, ऐसा एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगा, और लीनियर अप्रोक्सीमेशन है ना, लीनियर जो अप्रोक्सीमेशन है आपका, उसके बीच में ना ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखो, लीनियर अप्रोक्सीमेशन और एक्चुअल के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। तो जब कभी भी प्रैक्टिकली एक स्केल बनाया जाता है, एक स्केल को डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे कौन सी मार्किंग रखी जाएगी, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस कर्व फॉलोस स्क्वायर लॉ, ठीक है, और ये स्क्वायर लॉ वाले का ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो देखो, ये अप्रोक्सीमेशन ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से लिया जाता है, ये भी कैसे लिया जाता है वो बता दूंगा आपको मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, एरर पढ़ाऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि अप्रोक्सीमेशन कहाँ से कहाँ के बीच में रहती है। देखो, ये जो जोन है ना, यहाँ पे हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, तो इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जोन को हम बोलते हैं लीनियर जोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर जोन। देखो, ये क्या है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये थीटा और ये आई, और ये क्या है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उनके बीच में जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, एरर। तो जब प्रैक्टिकली एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन की, एक इंस्ट्रूमेंट का स्केल डिजाइन किया जाता है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ना ये जो डिविजन्स हैं आपके स्टार्टिंग में ना, ये थोड़े से पास पास होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद ये डिवीजन ऐसा यूनिफॉर्म बन जाते हैं, यस, और आखिरी आखिरी में स्केल फिर पास पास आ जाते हैं। तो जब नीडल को हम देखते हैं, देखो ये नीडल ऐसा हो गया, ठीक है, तो इस स्केल में भी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर जोन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्रैम्पिंग, ये क्रैम्पिंग, ठीक है। तो जब भी आपको बाहर से 2 मीटर दिखाया जाए, बाहर से 2 मीटर दिखाएं आपको डिफरेंट है ना, और आपको दिखे कि क्रैम्पिंग इज देयर, आपको दिखे क्रैम्पिंग इज देयर, इसका मतलब क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन है। बीच में तो यूनिफॉर्म रहेगा ही, बीच में लीनियर जोन रहेगा ही। लीनियर जोन के क्या फायदे हैं, आपसे मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि भाई लीनियर जोन के फायदे क्या क्या है।
ठीक है, लीनियर जोन के फायदे क्या क्या है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन आप एरर में है ना। तो देखो, लीनियर जोन स्टार्टिंग में क्रैम्पिंग, एंडिंग में क्रैम्पिंग। अभी किसी को क्रैम्पिंग नहीं, की इच्छा है अपने घर से बाहर निकलो, आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होगा, एसी मीटर, जहां पे आपका पंप वंप होगा, ठीक है, तो उसमें देख लो, वहां आपको देखने को मिलेगा कि क्रैम्पिंग है, वहां आपको देखने को मिलेगा कि क्रैम्पिंग आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम कहते हैं क्रैम्पिंग, इसको हम लोग प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, क्रैम्पिंग बोलते हैं। तो देखो, इस प्रकार से बात की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट की, इस प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है ना, कि इंस्ट्रूमेंट कैसे चलता है, कैसे रुकता है, कैसे फिरता है। आपको ना बिट बाय बिट, बिट बाय बिट जो भी आप पढ़ो उसका एक एक जगह आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एक एक जगह आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको पता रहे कि आप हर एक पॉइंट को बहुत बेस से, बहुत स्क्रैच से आंख बंद करके समझ पाओ, है ना। तो फीलिंग आ रहा है कि आपको मेजरमेंट में, है ना, आप फील कर पा रहे हैं मेजरमेंट को, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप फील कर पा रहे हैं क्या मेजरमेंट को, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पर्सनली आपका फीलिंग कैसा है मेजरमेंट के लिए, है ना। आप एक एक चीज को क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। आपको लगता है कि सर मुझको इस पॉइंट पे डाउट है, आपको इस पॉइंट पे डाउट है, आपको उस पॉइंट पे डाउट है, आप मेरे को हर पॉइंट बताइए, मैं आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखो, इतने क्लैरिटी के साथ पूरा फिजिक्स सामान पढ़ाया हूँ मैं आपको, एक एक चीज का नंबर नंबर निकाल के। आप अगर कोई भी कॉलेज में मेजरमेंट पढ़ा होगा तो उसका माइंड सेटअप क्या होगा पता है, उसका माइंड सेटअप ये होगा कि मेजरमेंट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, मेजरमेंट इज व्हाट, मेजरमेंट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाई क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग इज देयर टू शो द इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटी। क्रैम्पिंग को रखते हैं नॉन लिनियरिटी के इफेक्ट को मैनेज करने के लिए, ताकि रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट आए, ताकि रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट आए, ठीक है। मजा आ गया स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन ठीक है भाई, नाम एक से एक रखते हो नहीं तुमने ऑनलाइन में, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, ठीक है, है ना। ये सब बहुत जगह पढ़ा था पर अब क्लैरिटी से समझ आ रहा है। हाँ, आपको अभी क्लैरिटी आएगी, अभी आपको कंसेप्चुअल डेप्थ आएगा, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे साथ ऐसे ही मेंटेन रहोगे ना, अगर आप लोग एकदम एंजॉय कर करके पढ़ोगे, तो आप बोलोगे तो मैं तो आपको ना मेजरमेंट के कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करा डालूंगा, ठीक है, जो एकदम बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब करवा डालूंगा, ठीक है। सर वो स्क्वायर लॉ ग्राफ बोलिए फिर से, स्क्वायर लॉ बेटा, स्क्वायर लॉ वाले ग्राफ में क्या है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना। इसमें क्या बड़ी चीज़, देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है ना। आप एक काम करो, देखो आप टू टू लो, टू का स्क्वायर कितना होता है 4, 4, 9, 16, 25, 36, इसका ग्राफ बनाओ तो एक कर्व समान वो बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको यार, है ना, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पीएमएमसी का बेसिक था, कि पीएमएमसी का बेसिक कैसे हो सकता है, पीएमएमसी को लोग समझ कैसे सकते हैं, सॉरी एमआई को लोग समझ कैसे सकते हैं। तो मेरे लिए ना हमेशा पता है क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट को ना ये पता हो कि ये डिग्रीज कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आई स्क्वायर लिख तो देते हैं सब लोग, लेकिन ये आई स्क्वायर होने के सेंस से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूनिडायरेक्शनल है कि बायडायरेक्शनल है, ये आपको पता रहे, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल है, बायडायरेक्शनल है, इन सबसे क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब आपको पता रहे, ठीक है। मीटर अप्रोक्सीमेटेड होता है क्या, हाँ सिद्धार्थ, मीटर अप्रोक्सीमेटेड होता है ना। सर मेरा एक डाउट है कि लाइक अभी सब डिजिटल हुआ है, फिर हम ये नीडल वाला क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो स्वरित जी, आपने बात सही बोली कि सर आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, आप जब लेबोरेटरी में जाते हो तो आप लेबोरेटरी में हमेशा देखते हो कि आपके पास ना एक ऑप्शन होता है कि आप क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर यूज कर लो। जब आप मल्टीमीटर देखते हो तो मल्टीमीटर में रीडिंग डिजिटल ही दिखाता है, ठीक है। और अगर आप एनालॉग देखते हो तो आपको एनालॉग रीडिंग दिखाती है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि आज से 15-20 साल पहले जो आपके घर पे एनर्जी मीटर लगा था, वो एनर्जी मीटर एनालॉग एनर्जी मीटर था, ठीक है। एनालॉग एनर्जी मीटर था, हमारे सिलेबस में भी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको एनर्जी मीटर, ठीक है। लेकिन उस एनर्जी मीटर को ना पूरे इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया, इसलिए क्योंकि बिजली चोरी हिंदुस्तान में इतनी बढ़ गई थी कि लोग आते थे, वो मीटर के ऊपर मैग्नेट रख देते थे, उसके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर देते थे, तो डिस्क जिस स्पीड से घूमता था वो घूमना ही बंद कर देता था,
बिजली का बिल आता ही नहीं था, बिजली कंपनियां खतरनाक घाटे में थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको हटा के सीधा क्या कर दिया, डिजिटल मीटर कर दिया, क्योंकि डिजिटल मीटर से कोई छेड़खानी करेगा खराब हो जाएगा आईसी पूरा का पूरा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट चालू है, लेकिन नेसेसरी नहीं कि हर जगह हम रिप्लेसमेंट कर डालें, ठीक है, टाइम लगेगा। डिजिटल के अपने एडवांटेजेस हैं, एनालॉग के भी अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसको मैं अभी आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जब भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डील करूंगा तो ज़रूर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे मुझे, है ना। मैं एंड करता हूँ लेक्चर, कल मिलेंगे अपन सेम टाइम पे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे को सबके सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, और इसी एनर्जी के साथ सभी के सभी मेजरमेंट में मेंटेन रहेंगे, ओके। कल मिलता हूँ आपको मैं एक्सटेंशन और इसके डायनेमिक्स के साथ, मतलब टॉर्क इक्वेशन के साथ, के का वैल्यू क्या था वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।